हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आपके DSSB TGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम में नंबर सिस्टम अच्छा रोल निभाने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% आने वाले हैं। कितने आएंगे कितने नहीं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आपके 100% उठाएंगे। 2, 3, 4 ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन इस पोर्शन से, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और ये न्यूमेरिक पार्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसमें टाइम लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये 1 सेकंड में भी आप अपने आंसर सॉल्व कर सकते हो, तुरंत टाइम वेस्ट किए। तो आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करके जाना है, पढ़ के जाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर सिस्टम की। फर्स्ट है आपका, यहाँ पर मैं इस क्लास में 4 टाइप के डेसिमल नंबर सिस्टम बताने वाली हूँ, सॉरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और कन्वर्जन आपस में इनके। तो फर्स्ट है आपका द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं गाइस, सभी को पता है। डेसिमल नंबर सिस्टम आपके 0 to 9 होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9 नंबर जो आप डेली अपनी डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसका बेस आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपका 10 होता है। अगर आपसे कन्वर्जन करवाए कि कोई भी आपको 7, 8, 6 दिया है, ठीक है, तो उसको आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप करोगे, जैसे आप यहाँ पर आपको पता हो, नंबरिंग पता होगी कि आप जैसे कंप्यूटर में 1 से स्टार्ट नहीं करते हो, 0 से, तो इस 7, 6 को आप उस ऊपर नंबरिंग दोगे 0, 1, 2। तो इसको 6 × 10^0 करोगे, 6 × 10^0, देन 8 × 10^1 और 7 × 10^2। ठीक है, यहाँ पर आपने इस नंबर से पोजीशन दी, आपने 0, 1, 2, तो आपने 10 की पर पावर लगा के आपने इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है। देन आपका आंसर इनको ऐड करके आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम गाइस क्या होता है आपका, 1 और 0 आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो कि कंप्यूटर ओनली आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, 0 और 1 की फॉर्म ही समझता है कंप्यूटर आपका। ऑन और एंड ऑफ स्टेट ऑफ ए स्विच आप इससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आपके जो 1 और 0 की फॉर्म में जो नंबर दिए हुए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, उसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपके आपके कैसे करोगे, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, 101101, देन इसका बेस है 2। इसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको कैसे करना है, सबसे पहले ऊपर सभी की नंबरिंग करनी है ताकि सॉल्व करते टाइम हमारे से कोई भी गलती ना हो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ओके। तो 1 × 2^0, देन 0 × में जैसे आप यहाँ से कर रखें, 1 × 2^5, इन्होंने यहाँ से, मैंने यहाँ से भी स्टार्ट किया है, देन आप राइट से कर सकते हो या लेफ्ट से कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो 1 × 2^5, हमारा लास्ट में क्या नंबर आया था, 5। 1 × 2^5 प्लस में 0 × 2^4 प्लस में 1 × 2^3 प्लस 1 × 2^2 प्लस 0 × 2^1 प्लस 1 × 2^0। तो आप जैसे इनको सोल्व करोगे, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जैसे आप 0 मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो वो 0 होगा आपका, ठीक है। जैसे 2 × 2^1 तो 0 × 2 प्लस में 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 + 1 × 1 = 1, यहाँ पर जैसे आपका 1 आया ना, तो ये चीज़ आपकी ये हो जाएगी, देन आपका सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। गाइस, इस न्यूमेरिक ग्रुप का मैंने नंबर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है मेरी प्लेलिस्ट में, वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने नोटबुक पेन से भी आपको समझाया हुआ है, देन एक एक करके भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करके भी मैंने अपनी अलग अलग वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, आप जाके वहाँ देख सकते हो, अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ तो मैं
एक रिवीजन के तौर पर आपको बता रही हूँ। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है आपका 8, और बेस 8 है, लेकिन इसका जो डिजिट है आप 0 to 7 यूज़ करते हो, 8 डिजिट हो जाएगी ना आपकी, जैसे काउंट करोगे 0 1 2 3 तो 8 डिजिट हो जाती है आपकी। तो द सिस्टम यूज डिजिट 0 to 7 टू रिप्रेजेंट ए नंबर एंड द नंबर आर एज ए बेस ऑफ 8। फॉर एग्जाम्पल 2 4 का बेस है आप यहाँ 8, तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में जब आप कन्वर्ट करोगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर जैसे 0 और 1 0 1 है तो 8 की पावर 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 0 है, सोल्व करोगे 20 आएगा आपका। देन आपका हेजाडेसिमल नंबर सिस्टम का गाइस बेस होता है 16, वही आप 0 to 15 डिजिट यूज करते हो इसमें। आप हेजाडेसिमल नंबर सिस्टम में आप यहाँ पर जैसे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करते हो। 9 के बाद 10 को आप ए राइट करते हो, 11 को बी राइट करते हो, और सी को आप 13 14 डी, और 15 आप ई, और 16 एफ है। 0 to 16 हो गए आप, 0 to 9 न्यूमेरिक वैल्यू, देन ए टू एफ है। तो उसके बाद 1 byte 8 bit ये आपकी सीक्वेंस, इसमें आप PGT का जो एग्जाम हुआ था गाइस उसमें भी आपका ये सीरीज पूछा गया था, उसमें आपका सीधा नहीं पूछा गया था, उल्टा करके पूछा गया था। यहाँ से आपका KB TB ZB MB KB B ऐसे करके पूछा गया था, तो आपका सीक्वेंस ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपका पूछा जा। फर्स्ट आपका KB, देन किलोबाइट, बाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, देन BKB MB GB TB EB और जेटाबाइट और YB, ये जैसे आपके सीक्वेंस वाइज होते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, अब सभी आपने बाइनरी टू डेसिमल है, या डेसिमल टू डेसिमल, ये सभी आपने देखी है, ऑक्टल टू डेसिमल, तो आपने सभी में मल्टीप्लाई किया है। ये चीज़ें याद रखना, सभी में आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर आप डेसिमल टू बाइनरी हुआ, आगे जनाब नेक्स्ट देखोगे डेसिमल टू ऑक्टल, और आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल एंड इसके उल्टा, तो आपको डिवाइड करना होगा। अब आपको मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल टू बाइनरी, अब आप यहाँ पर LSB और MSB देख रहे होंगे, तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आपकी लेफ्ट डिजिट होती है वो MSB होती है, जो राइट डिजिट होती है वो आपकी LSB होती है। ओके, या अगर पेपर में पूछ लिया, कब पहले पूछा जाता था ये, अब पता नहीं पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तो आपको मैंने ये बता दिया जी। तो आप डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ नंबर बाय 2 व्हाइल रिकॉर्डिंग द रिमेंबर। लेट्स टेक द एग्जांपल टू सी हाउ दिस हैपन। तो 43 आपने कोई डेसिमल नंबर सिस्टम लिया, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये आपका रिजल्ट आया यहाँ पर बाइनरी में, तो आप 2 से डिवाइड करते जाओगे जब तक वो डिवाइड होता रहेगा जब तक वो डिवाइड होता रहेगा। डिवाइड का या तो आपका लास्ट में 1 आएगा या 0 आएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में इनसे छोटा तो कुछ आएगा नहीं। तो आप 2 से डिवाइड करते जाओगे, 2 से 43 देन 21, तो रिमेंबर आपका 1 आएगा, तो 1 जो रिमेंबर आएगा यहाँ पर वो आप यहाँ राइट करते हुए चले जाओगे, देन आपका लास्ट। तो अब यहाँ से काउंट कैसे करोगे, जैसे 2 यहाँ पर 2 है, 2 1 2 तो आपका 2 1 2 हो गया, तो 0 आपका 0 बचेगा, देन यहाँ पर 2 1 और 0, तो इसमें आप ये यहाँ ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है, आप ओनली ये 0 हटा सकते हो, ये 0 और 1 नहीं आएगा, यहाँ से आपका हो चुका है यार,
ठीक है, टू यहाँ कंप्लीट है। तो आप यहाँ राइट कैसे करोगे, आप यहाँ से नीचे से राइट करोगे, आप 101011, देखो यहाँ पर 101011। तो 43 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था, आपने डिवाइड करके, डेसिमल नंबर सिस्टम डिवाइड करके आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हो। सेम आपका डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या है गाइस, ऑक्टल का बेस क्या है आपका 8 है, ठीक है। तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम को 8 से डिवाइड करोगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ राइट करोगे 137, देन आप यहाँ से सेम 0 तो नहीं आएगा, सेम यहाँ से 731 आपका आंसर आ गया, आप यहाँ राइट कर सकते हो। उसके बाद डेसिमल टू हेजा डेसिमल, आपको डेसिमल से जो भी नंबर आपको कन्वर्ट करना है हेजा डेसिमल को, वो आप डिवाइड करोगे। हेजा डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या बेस है, 16 है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को आप 16 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1A7 आया है, यहाँ पर A नहीं आया, यहाँ पर क्या आया होगा बताओ, A किसको राइट करते हो आप, 10 को। हेजा डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 होता है, 10 से आप ए बी सी डी स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर 10 है इसलिए इन्होंने डायरेक्ट यहाँ ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1107। फिर आपको सेम सही उसमें राइट करना है, 110 को ए रिप्लेस करना है देन 7, तो 1A7 आपका हेजा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, जैसे ये बाइनरी दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर में आप कन्वर्ट करोगे तो आप इसमें बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी में आपको एक अलग मेथड अप्लाई करना होगा। अलग मेथड क्या अप्लाई करना होगा, जैसे आपने बाइनरी नंबर बाइनरी डिजिट दी हुई है, अब आप इनको क्या करोगे, इन जो स्टेप है आप पहले ये देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेक ग्रुप ऑफ 3 bits, ठीक है, 3 3 bit का आप ग्रुप बनाओगे। इफ देयर आर 1 or 2 bits लेस इन मेकिंग द ग्रुप, है जीरोज कैन बी एडिड आफ्टर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या कह रहा है, अगर आपका ग्रुप नहीं बन रहा, आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे 101, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, देन 3 का ग्रुप, यहाँ पर 2 ही डिजिट बची हुई थी नहीं, तो आप यहाँ 1 0 ऐड कर दोगे। अब इनको आप 2 6 2 5 जैसे आप करते हो ना, 0 0 0 1, ये टेबल है आपकी, तो उसमें आप राइट करते हो, 2 को आप 0 1 0 राइट करते हो, 6 को 1 1 0, 2 को 0 1 0 एंड 5 को 1 0 1, ये टेबल आपको लर्न करनी होगी। मैं ये टेबल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरी वीडियोस में, आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका ये वाला आंसर आ गया 2 6 2 5, जैसे ये टेबल होती है आपकी बाइनरी इक्विवेलेंट डिजिटल ऑक्टल डिजिटल, जैसे 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 1 0 और 4 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0, आप इसको लर्न कर सकते हो, 0 0 0 0 1 0 1 10 0 1 1, इस तरह से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे आपका ऑक्टल दिया हुआ है 2 6 2 5 का बेस 8, अब इस आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले 2 6 2 5 ऊपर राइट करोगे, अब इसमें बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो आप सेम नंबर लिखकर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बाइनरी टू हेजा डेसिमल, बाइनरी टू हेजा डेसिमल वो था आपका डेसिमल टू हेजा डेसिमल, तो आपने मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल गया। अब जैसे बाइनरी टू हेजा डेसिमल दिया हुआ है, तो इसमें आप कैसे करोगे, जैसे ये बाइनरी है, तो इस बाइनरी को आप पहले स्टेप देख लीजिए कि कौन क्या क्या स्टेप है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेक ग्रुप ऑफ 4 bits, ओके, इफ देयर आर 1 or 2 bits लेस इन मेकिंग द ग्रुप, जीरोज कैन बी एडिड आप द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कन्वर्ट इज ग्रुप इन टू इट इज इक्वलेंट ऑक्टल नंबर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस, जैसे आप 101, ये आपकी बाइनरी
बाइनरी डिजिट है 1010, आप 4-4 इसका ग्रुप कर लीजिए, 1010 1101 और 101, आपका एक नहीं है आगे तो आपने ऐड कर लिया 1। ओके जैसे फिर आप यहाँ हेजा डेसिमल नंबर सिस्टम में ये आपका 5 आएगा, देन ये 10 आएगा, 10 को रिप्लेस करके आपने बी लिखा, ये फिर डी आएगा, ये इस टाइप से आप यहाँ राइट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव वाली जो माइनस वाले जो कन्वर्जन होते हैं आपके, पॉइंट वाले जो होते हैं, जैसे 252.62 इस नंबर को आप कन्वर्जन करते हो, इस टाइप के नंबर्स मैं लिख कर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। आजकल डेसिमल पॉइंट वाले नंबर सिस्टम पूछे जाते हैं एग्जाम में। थैंक यू गाइस।